गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगर ना ऑडियो नहीं वीडियो क्लियर है बेटा? सो लास्ट क्लास में अपन ने इमोशनल टूरी स्टार्ट किया था, जिसको टू डायमेंशनल मोशन, एक छोटा रिवीजन करते कल के क्लास का। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है उसको 1D 1D टू परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड करके वो डायमेंशन में मोशन कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? वही डायमेंशन में मोशन कंसिडर करेंगे और फिर बाद में जो फाइनल रिजल्ट रहेगा, जो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर एडिशन, जो स्केलर क्वांटिटी स्केलर एडिशन, यहाँ पे सभी ज्यादा करके वेक्टर, ये सिर्फ टाइम एक छोड़ के बाकी सब वेक्टर है, इसलिए वेक्टर एडिशन करना। तो क्या करना है अपने को, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है। अपने लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन से होते हैं? एक्स और वाई। कौन से होते हैं? एक्स और वाई। कोई बात है इसमें? दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव सीन लास्ट क्लास में, प्रॉब्लम्स भी किया इसके ऊपर अपन ने, सही है। जस्ट टू सेकेंड, चलो सेट हो गया है सब कुछ बेटा? थोड़ा सा ब्लर है, दिखेगा आगे। यस, हो गया एकदम परफेक्टली क्लियर ना, ठीक है। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऋषि, अच्छा बेटा ठीक है ठीक है, मैं लास्ट में, आप मुझे याद दिलाओ, मैं आपको ये लो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। इस पर मैसेज मारो आपके नाम के साथ, आपको मैं ऐड कर दूंगा। यस ठीक है, चलो राइट। सो क्या करना है अपने को? सिंपली, बहुत सिंपल है, एक्स और वाई डायरेक्शन में डिवाइड करना है उनको, वन डायमेंशन और वन डायमेंशन कंसिडर करना है, मतलब एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स अलग अलग कर देने। एक्स का अलग आपने अपने तरीके से मोशन जैसे वन डायमेंशनल सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है, वाई का अपने अपने तरीके से मोशन सॉल्व करना है, फाइनल रिजल्ट अब निकालना है, दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। हाँ चलो और एक देखते हैं, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बट बुलेट फायर्ड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, अच्छा ऐसे लिखते हैं, टुवर्ड्स अ टारगेट 100 मीटर्स अवे। गन को, गन से बुलेट फायर किया है, ठीक है। हाउ हाई from the target should the gun aim so that the bullet hits the target? क्या बोला है कि एक बुलेट को फायर किया गन ने और वो जो टारगेट है 100 मीटर है। चलो यहां पे लगा देता इसको,
ठीक है, ये है 100 मीटर, ठीक है, और जो एक्स मार्क के ये टारगेट है, ठीक है। बुलेट कैसे जाएगा, सीधी सीधा लाइन में जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा नीचे गिरेगा वो, किसके वजह से? ग्रेविटी की वजह से। किसके वजह से? ग्रेविटी की वजह से। इसलिए उसको कहीं तो भी ऊपर टारगेट करना है। ये टी टारगेट है, ये पॉइंट पी जहां पे एम है, सपोज ए लगा दिया, पॉइंट ए जहां पे एम करना है, टी क्या अपना टारगेट है। पॉइंट ए, एमिंग पॉइंट, पॉइंट टी टारगेट। चलिए, कितना ऊपर एम करना है ये पूछा है अपने को उन्होंने। यस स्टूडेंट्स, आसान है ना प्रॉब्लम? आराम से देख के करो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या आंसर आ रहा है? एनी आंसर्स? स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड यशस्वी, विल सी अबाउट दैट। व्हाट अबाउट अदर्स, क्या आंसर आ रहा है बेटा? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, डायग्राम बना दिया है। ओके, नाउ इसके दो डायरेक्शन होंगे। ये जैसे सीधा जाएगा, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। सही बात है, नहीं है, है ना? जैसे सीधा जाएगा, ग्रेविटी क्या करेगी? उसको नीचे खींचेगी। अब बुलेट का स्पीड कम हो रहा है क्या एक डायरेक्शन में? नहीं, क्योंकि एक डायरेक्शन में कोई, अब देखो बुलेट के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है? ग्रेविटी एक्ट हो रही है ना। ग्रेविटी इज ऑन बुलेट। कब तक एक्ट हो रही है? अंटिल इट हिट्स
टारगेट, टारगेट को हिट करे पर्यंत वो टाइम तक इसके ऊपर क्या एक्ट हो रही है, ग्रेविटी एक्ट हो रही है, इसलिए वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब नीचे जाएगा मतलब टारगेट लगेगा कि नहीं, टारगेट से नीचे जाएगा। अब जितना टारगेट नीचे जाएगा उतना अगर ऊपर एम करूंगा तो टारगेट को हिट करेगा। लॉजिक समझा, कोई बड़ी बात नहीं है ना इसमें, है ना। टारगेट को हिट करने के लिए जो टारगेट के अगर टारगेट के ऊपर एम किया तो नीचे आ जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। जब नीचे जा रहा है ऊपर हिट, ऊपर टारगेट करोगे तो बराबर टारगेट पे लगेगा, ऊपर एम करोगे तो टारगेट पे बराबर लगेगा। ठीक है भाई, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको एक्स और वाई में डायरेक्शन में डिवाइड कर दे, एक्स वाई, यू ऑफ एक्स कितना है जीरो, सॉरी यू ऑफ एक्स कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, यू ऑफ वाई कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है, इसको 10 ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 10 क्या है, जी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 100 मीटर, इसका नहीं मालूम, दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई निकालना है, मतलब टाइम आपको कहां से मिलेगा, एक्स से मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, सेकंड। तो एस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी प्लस जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां से टी इक्वल्स टू एस ऑफ एक्स अपॉन यू ऑफ एक्स, है ना, टी इक्वल्स टू एस ऑफ एक्स अपॉन यू ऑफ एक्स, कोई गड़बड़ इसमें, ऐसे ऐसे किया होगा। ठीक है, तो t मिला, t कितना बना, s of x भी 100 है, u of x भी 100 है, ये 1 मिला, तो t कितना है 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के लिए क्या एक्ट होगा, ग्रेविटी एक्ट होगी जो उसको नीचे लेके आएगी। तो f of y क्या बनेगा, 0 प्लस हाफ a y t का स्क्वायर, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, f of y बना हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, क्या मिला, 5 मीटर, 60 सेंटीमीटर नहीं बेटा, वो मीटर है। तो कितना ऊपर एम करना है, कौन सा डिस्टेंस पूछा है, ये 80 जो है आपका वाई डिस्प्लेसमेंट है, कितना है 5 मीटर, आ गया आंसर, कोई गड़बड़ किसी को इसमें, आसान था बच्चों, यस स्टूडेंट्स, कोणाला काही डाउट असला तर विचारून घ्या आता। कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा। कोणाला काही पण डाउट प्रश्न असला तर विचारून घ्या। क्लियर झाला अनागा, शीतल और कौन है, रोहित साळवे, विशाल, विकास, समझ में आ रहा है 2D के प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं अपन, है ना, मैंने बताया ना मजा आएगा इसमें। वी हैव कंसिडर्ड द टारगेट एज सी पॉइंट, वी आर एमिंग एट पॉइंट ए, वट्टम वार, सानाथ सानाथ आगे प्रेजेंट नहीं है आज, है विशाल सानाथ प्रेजेंट है, चलिए एक अच्छा प्रॉब्लम देता हूं एससी वर्मा का, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रॉब्लम जब मैं पहली बार ट्राई किया। यहाँ पे जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड रहना है, ठीक है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब एसी वर्मा का प्रॉब्लम है, फीट्स में है तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक
इफ यू हैव एसडी वर्मा उसमें चैप्टर रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स 27th प्रॉब्लम अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 7 मीटर्स फ्रॉम अ 11.8 मीटर्स हाई बिल्डिंग ठीक है तो इसका मैं डायग्राम से ड्रॉ करता हूँ 27th है ये एच सी वी ठीक है सीधा सीधा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ एक 11.8 मीटर्स की बिल्डिंग है ठीक है हाई बिल्डिंग एंड अ यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 7 मीटर्स फ्रॉम अ 11.8 मीटर्स हाई बिल्डिंग सीज अ किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप फ्लोर विथ व्हाट स्पीड शुड ही रन सो दैट सो टू कैच द किड एट आर्म्स लेंथ 1.8 मीटर्स ठीक है इसके जो आर्म्स के है वो 1.8 मीटर्स है मतलब अच्छा 6 फुट का आदमी है ओके और यहां से किड फॉलिंग डाउन इसका जो स्पीड रहनी चाहिए सो दैट ही कवर्स दिस डिस्टेंस एंड कैचेस द किड उसने कैच कर दिया तो उसने बोला कि फाइंड वी ये डिस्टेंस कितना है 7 मीटर्स सो दैट द मैन कैचेस द किड बच्चे को पकड़ पाए तो वी निकालना है अब देखो ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है मगर 2 अलग अलग बंदों का है और कैच करने के लिए देखो ये यहां पे आना चाहिए ये भी यहां पे आना चाहिए आदमी 7 मीटर्स कवर करना चाहिए और बंदा जो बेबी है किड उसने कितना मीटर्स कवर करना चाहिए आपको समझ में आता है निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं इस थोड़ा Come on, fast. बताए ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है Come on, अनागा भक्ति भावेश चंद्रकांत प्रथमेश गणेश द गायत्री गायत्री आजकल आंसर्स नहीं कर रहे बेटा क्या हो रहा है मनिंदर नासरा खान प्रीति रूपाली साक्षी कम हो गया बेटा आप लोगों का आंसर करना साइली संध्या श्रावणी सुष्टि सुदर्शन तेजस राणे दादर तेजस शिंगारे वैष्णवी देशपांडे कुलकर्णी विक्रम चलो आंसर करो बच्चों कॉल करते जाओ मिस्टेक्स हुआ तो चलेगा मगर प्रॉब्लम को पहले ढंग से समझो है ना क्वेश्चन रिपीट करता हूं अ किड इज फॉलिंग फ्रॉम 11.8 मीटर्स हाई बिल्डिंग अ पर्सन 7 मीटर्स अवे हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड ऐसे बोल सकता हूं 7 मीटर्स अवे ऑन द ग्राउंड From the building, sees the kid falling. With what speed should the man run so that he catches the kid at arm's length, which is 1.8 meters high from the ground? तो यहां से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इफेक्टिवली किड इज फॉलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर 11.8 माइनस 1.8 अब वो वाला वाई डायरेक्शन लगा लो और मैन का एक्स डायरेक्शन लगा लो अब पॉजिटिव नेगेटिव आपकी मर्जी ये प्रॉब्लम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि नीचे वाला वाई डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और
मैन के डायरेक्शन में जो स्पीड है वी के डायरेक्शन में, वो एक्स पॉजिटिव ले लो, यहाँ पे एक्स में मैन कर रहा है, वाई में बेबी कर रहा है, किड, दोनों साथ में सेम पोजीशन में पहुंचना चाहिए, सेम पोजीशन सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, सही है ना? यस स्टूडेंट्स, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू लेना है जी का, ठीक है? अब चलो इसको एक्स और वाई में डिवाइड करता हूं, इट इज फॉलिंग डाउन, सो उसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स में भी जीरो है, वाई में भी जीरो है। अब ये मैन के लिए, सॉरी, तो अपन इसको भी लगाएंगे, और ये किड के लिए वाई वाला, ठीक है? मैन का एक्सेलरेशन उन्होंने नहीं बोला कि वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बोला, और यहाँ पे ए वाई ये पॉजिटिव है, कितना है जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है एस ऑफ एक्स, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है एस ऑफ वाई, कितना है 7 मीटर। इसको यही कैलकुलेट कर दो, 11.8 माइनस 1.8 कितना बनेगा, यह 10 मीटर। दोनों के लिए क्या सेम है, टाइम सेम है, निकालना है स्पीड, वो मैन का है, मैन जो एक्स में जा रहा है, मतलब वाई से आपको टाइम मिलेगा, समझ में आया? उल्टा कर दिया, ये 7 मीटर है और ये 11.8 माइनस 1.8 विच इज 10 मीटर्स अलॉन्ग वाई, 10 मीटर है अलॉन्ग एक्स, 7 मीटर है। तो टाइम निकालना है, कहां से निकालूंगा मैं, वाई के साइड से निकालूंगा, तो वाई के साइड से इक्वेशन लगा दिया, एस ऑफ वाई इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो यहां से मैं टी बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ टू एस ऑफ वाई ए ऑफ वाई, तो टी बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10 अपॉन 9.8। ये मुश्किल जा रहा है 9.8, ठीक है, क्या करो स्टूडेंट, इसको 10 ले लो, ठीक है, और आंसर जो रहेगा पीछे उसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे, फिर कैलकुलेशन के लिए जी जाएगा, ठीक है? ये 10 और ये 10 चले गए, सो रूट टू सेकेंड, रूट टू से बड़ा रहेगा, एक्चुअली टाइम कितना रहेगा, रूट टू से बड़ा रहेगा, मैंने अप्रोक्सीमेटली रूट टू ले लिया है, अप्रोक्सीमेट, अब यही टाइम एक्स के लिए रहेगा, 9.8 रखेंगे तो नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ना यार, एस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू यू ऑफ एक्स इंटू टी, सो वी बनेगा एस एफ एक्स अपॉन टी, तो वी कितना है 7 अपॉन रूट टू, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट जा रहा है मगर बाकी सब कुछ बहुत इजी है। मीटर पर सेकेंड आंसर आया, इसका आ रहा है कि नहीं देखिए, 7 डिवाइडेड बाय 1.41, यहाँ पे कर देंगे अपन इसमें कैलकुलेटर में, एक बार देखते हैं, क्योंकि आंसर नजदीक आ रहा है तो अपने को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आ रहा है तो अपन ने 9.8 लिया तो करेक्ट आ जाएगा, 9.8 ही लेना, चलो ये तो अपने कैलकुलेशन के लिए किया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, तो इक्वल्स टू वी, ये आ गया अपना आंसर, चांगला प्रॉब्लम होता कि नहीं? अजून एक दू असच, चलेगा एक और दू कैसे? यस स्टूडेंट्स,
सगळेजण फॉलो करतात, कोणाला काही पण डिफिकल्टी याच्यामध्ये. ओके शेष्टी, आय विल वेट. व्हॉट अबाउट अदर्स? एव्हरीथिंग इज क्लिअर बेटा? सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लेम? चलिए कुलकर्णी, मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ, ठीक है, आप उसको आराम से सॉल्व करो. तो टू डायमेंशन मोशन भी देखिए कैसे, मैंने बताया ना फिजिक्स में यही मजा है कि वो सोचने लगाता है अपने को, है ना, और सोचने में आंसर करेक्ट लाना ये एक आर्ट सा बन जाता है फिजिक्स लर्न करते करते. क्योंकि सोचने में और सोचने वाला मतलब ढंग से करेक्ट सोचना ये सिखाता है फिजिक्स जनरली. ये एक्सपीरियंस के थ्रू और अपने को और अच्छा पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर लोअर ग्रेड से कोई भी प्रॉब्लम दो आपको, तो आपको एक्सपीरियंस है तो आपका सोचने का तरीका रहेगा करेक्ट रहेगा. तो एक्चुअली लर्निंग इज नथिंग बट अ वे टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन अ प्रॉपर वे सो दैट यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ये अपना मेन फोकस रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि आजकल क्या है प्रॉब्लम सॉल्वर से प्रॉब्लम क्रिएटर ज्यादा होते, अपने को वो नहीं बनना है. ठीक है, चलो यहां देखो, अच्छा प्रॉब्लम देता हूं. और एक एन एरोप्लेन ड्रॉप्स एन अनगाइडेड बॉम्ब फ्रॉम अ हाइट H from ground. ठीक है, find at what distance from the point where the aeroplane dropped from the point where bomb is dropped. Will it hit the ground? ठीक है, कितने डिस्टेंस पे वो हिट करेगा. सैटेलाइट नहीं, वो एरोप्लेन है. ठीक है, बॉम्ब फेंका तो ऐसा आएगा, सपोज ए से फेंका बी पे, सो ए बी डिस्टेंस ये कितना है पूछा. हाँ, एरोप्लेन की स्पीड वी ले लो, यहां लिख देता हूं वी स्पीड ऑफ प्लेन. एयरक्राफ्ट की स्पीड वी है. चलिए और एक और अच्छा प्रॉब्लम दिया है. Yes, students. Yes, sir.
आसान है। फिर से एक्स और वाई में डिवाइड करना है आपको, इस बीच में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आई थिंक होपफुली एवरीवन एवरी ईच एंड एवरीवन ऑफ यू आर फॉलोइंग। अरे ओ अनगा, एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ कोई वैल्यूज नहीं दिए आपको, वेलोसिटी भी बोला है, हाइट एच बोली है। मैडम आंसर नहीं आएगा, सॉरी अनगा आंसर नहीं आएगा। कुछ अज्यूम कर लो, ए बी डिस्टेंस को एक्स अज्यूम कर लो, कि वाई में कितना डिस्टेंस गिरने वाला, हाइट एच गिरने वाली है, उसको जितना टाइम लगेगा, है ना। देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जितनी स्पीड प्लेन की है, बॉम्ब की गिरते समय उतनी स्पीड रहेंगी। अब प्लेन की स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो बॉम्ब की स्पीड भी फॉर बॉम्ब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स और वाई डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। ये यू ऑफ एक्स क्या बनेगा, वी एक्सलरेशन अलॉन्ग एक्स, प्लेन का एक्सलरेशन दिया है नहीं, जीरो। यू ऑफ वाई क्या बनेगा, ड्रॉप बोले तो उसकी नीचे की वेलोसिटी जीरो है, एक्सलरेशन अलॉन्ग एक्स क्या है, जी है, जी को टेन ले लो अभी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स ये है आपका ए बी जो निकालना है, इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, ठीक है। और एस ऑफ वाई क्या है, एच आइन टी कॉमन रहेगा दोनों के लिए, तो आपको निकालना एक्स वाला है, तो वाई वाला सॉल्व करके टी निकालो। हमेशा यही देखना है कि कौन से क्वांटिटीज दिए, विच काइनेमेटिकल इक्वेशन आर वी सपोज टू बी यूजिंग। इसी तरीके से अपन ने हर एक 1D का प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक्सेप्ट द ग्राफिकल एंड डिफरेंशियल पार्ट्स, आगे सभी इसी तरीके से सॉल्व किया ना, याद है ना। चलो तो y से देखा है, y से t निकालना, s मान लो इनिशियल वेलोसिटी मान लो एक्सेलरेशन मान लो, तो s ऑफ y विल बी इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर, t इक्वल टू 2 एस ऑफ वाई अपॉन ए ऑफ वाई, सो टी अरे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बना 2h अपॉन जी। ये है आपका टाइम, जो टाइम में बॉम्ब ग्राउंड पे गिरेगा, विल हिट द ग्राउंड, ठीक है। और ये पास्ट ईयर जेई में क्या नीट में पूछे हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते, ठीक है। टाइम आ गया आपको निकालना है एक्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी प्लस जीरो, आप वो तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। क्या एस ऑफ एक्स क्या बनेगा, एस ऑफ एक्स निकालना है, यू ऑफ एक्स की जगह वी, टी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2, एस ऑफ वाई कितना है एच अपॉन जी। सो एस ऑफ एक्स सीधा सीधा लिख सकता हूँ, वी बाहर है, वी इंटू हाइट एच
अपॉन टू जी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर ये टारगेट बन रहा है तो उसने कितना पीछे छोड़ना चाहिए बॉम्ब को, एक्स डिस्टेंस पीछे छोड़ना चाहिए, तब जाके टारगेट पे गिरेगा। आई बात समझ में सबके? देखा कैसे 2D यूज होता है? यस स्टूडेंट्स, कोणाला काय इश्यू ह्याच्यामध्ये? नाउ देर आर कपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन इंक्लूडेड इन आर सिलेबस। ये तो जनरल वाले हैं, यहाँ पे हमेशा एक्स और वाई डिवाइड करते हुए अपने निकालते गए। जो दो आपको पढ़ने बेटा अपने 11th क्लास में, टू टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन दैट विल बी लर्निंग। वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो अभी स्टार्ट करेंगे। कौन सा वाला है? प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करना है, ठीक है? वो थैंक यू गायत्री, सॉरी अभी क्लियर है बेटा सबको? सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है? लेट अस स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। यस साक्षी, इट वाज, मैंने गलती से जो टू ऊपर था वो नीचे ले लिया, अभी बराबर लिया, ठीक है? नाउ सभी का ध्यान यहाँ पे। नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत मजेदार टॉपिक है ये। आपका वाई डायरेक्शन ले लिया, ये एक्स डायरेक्शन ले लिया, और यहां से ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ओ से सपोज इस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को फेंका मैंने वेलोसिटी यू से एंगल थीटा से, तो ओ से जाएगा ए तक, ऐसे एक पाथ पे जाएगा और बीच में कहीं तो भी पॉइंट बी आएगी जहां पे उसकी मैक्सिमम हाइट रहेगी, एच बोल देता हूं उसको। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब थ्योरी नहीं बोलूंगा फिर भी यहां पे लिख देता हूं। When an object is projected with u and theta with x-axis, that is horizontal ground, the resulting motion
रिजल्टिंग मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. इसको शॉर्टली अपन पीएम बुलाएंगे, अपन खुद और आर टीचिंग से वी आर यूजिंग दैट. ठीक है, ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन. जो पाथ जा रही है वो पैराबोलिक पाथ है. ठीक है, विल बी लर्निंग अबाउट इट दैट इन ट्रैजेक्टरी. ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ टू डायमेंशन मोशन है, टाइप ऑफ टू डायमेंशन मोशन. नाउ व्हेन एवर वी आर डीलिंग विद टू डायमेंशन मोशन, क्या बताया मैंने, क्या करना चाहिए, सीधा सीधा ले जाना है, एक्स और वाई में डिवाइड कर देना है. क्या करना है, एक्स और वाई में डिवाइड करना है. समझ में आ रहा है बच्चों, क्या करना है, एक्स और वाई में डिवाइड कर देना है. चलो एक्स और वाई में डिवाइड कर देते, ये आपका एक्स, ये आपका वाई. ठीक है, अब ये वाला यू ऑफ एक्स बनेगा, ये वाला यू ऑफ वाई बनेगा. यू ऑफ एक्स क्या रहेगा, यू कॉस थीटा, यू ऑफ वाई क्या रहेगा, यू ऑफ साइन थीटा. ये समझ में आता है आप लोगों को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यू ऑफ एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू ऑफ वाई इक्वल टू यू साइन थीटा. एडजेसेंट वाला कॉस थीटा कंपोनेंट बनता है एंगल का, और ऑपोजिट साइड वाला साइन थीटा कंपोनेंट बनता है. अलॉन्ग एक्स कोई एक्सेलरेशन क्या बेटा, नहीं है. अलॉन्ग एक्स कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, पर ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब नीचे के डायरेक्शन में कोई तो भी एक्सेलरेशन नहीं. कौन सी हो, ग्रेविटी, कौन सी हो, ग्रेविटी. ठीक है, अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट ओ से ए है, इसको अपन रेंज बुलाते हैं. अब इसके जो वाई का डिस्प्लेसमेंट है वो दो भाग में, एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है. ठीक है, तो एस ऑफ वाई नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैक्सिमम लिखता हूं यार, एच, क्योंकि मैक्स नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज जीरो, क्योंकि पॉइंट ओ और पॉइंट वाई का वाई कोऑर्डिनेट सेम, पॉइंट ए और पॉइंट ओ का वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है. देखिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ग्राउंड पे ना तुम, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. ठीक है, मगर ओ बी इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट, सॉरी ओ बी बोलूंगा, नहीं ओ बी नहीं, बी से सी बोलता हूं, बी सी मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय प्रोजेक्टाइल. जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसको जनरली प्रोजेक्टाइल बोल रहा है. ठीक है, ये बोल देता हूं, यू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन उसी तरीके से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. यू क्या है आपका, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ऑल थिंग्स आर कंप्लीटली क्लियर. ठीक है, तो यहां पे अपने को तीन चीज इंपॉर्टेंट पूछते हैं, और चौथा आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये पूछेंगे. ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन पूछेंगे प्रोजेक्टाइल को, अपन कल के क्लास में देखेंगे. अगर आज तीन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से डिनोट किया, सेकेंड मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच से डिनोट किया, और थर्ड हॉरिजॉन्टल अब ये रेंज कैपिटल आर से डिनोट, हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज भी बोल सकते हैं. सो दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर सपोज टू बी डिराइविंग. कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो भी बताया सब गिवन है, सबको क्लियर है गिवन, कोई बाधा नहीं है इसमें। यस, पुराना का इशू, ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन टॉट इज क्लियर, आर क्लियर। रेंज क्या है मैं बताता आपको। यस यशस्वी, रेंज जो है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, मजेदार टॉपिक है बेटा, ये बहुत मजेदार टॉपिक है। पढ़ने में, पढ़ाने में, सब में मजा आता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस गो एंड फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम कहां से कहां जा रहा है। प्रोजेक्टाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ओ टू ए, ये है कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ओ से ए को जो जितना टाइम लग रहा है वो पूछे, ठीक है। सो दिस टाइम इज कैपिटल टी, देयरफॉर टाइम फॉर projectile traveling from O to B will be T by 2, time of ascent will be equal to time of descent। O से B ascent हो रहा है, क्या हो रहा है, ascent हो रहा है। O से B ascent हो रहा है और बी से सी, बी से ए डिसेंट हो रहा है, गिर रहा है। तो दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। तो टोटल टाइम अगर टी है तो दोनों का टाइम टी बाई टू, इसको मैंने टी अज्यूम कर लिया, तो टी इक्वल्स टू टी बाई टू। अब क्यू भी लिया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन का हर एक डेरिवेशन इस पर डिपेंड होता है, एक्सेप्ट रेंज, मैक्सिमम हाइट पे डिपेंड होता है। स्पेशली एट पॉइंट पे, अब देखो एक्स और वाई में डिवाइड होकर दिया, एट पॉइंट बी है ना, एट पॉइंट ए ओ, वेलोसिटी एट ओ इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए वेलोसिटी एट ओ वेक्टर फॉर्म में यू एक्स आई कैप, यहां पे यू कॉस थीटा आई कैप लगा दो, प्लस U sin theta j cap, ये क्या है वेलोसिटी एट ओ। t कितना है, जीरो है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब पॉइंट b पे देखिए, पॉइंट b पे क्या होगा, पॉइंट b पे सिर्फ u ऑफ x रहेगी, क्योंकि u ऑफ y क्या रहेगी, जीरो। u ऑफ y जैसे ऊपर जा रही है, जी नीचे एक्ट हो रही है, तो इसको मॉडुलस लगा देता हूं। जी कहां पे एक्ट हो रही है, नीचे एक्ट हो रही है, जी कहां पे एक्ट हो रही है, नीचे एक्ट हो रही है, तो जी नेगेटिव रहेगी जब, ठीक है। तो ओ से बी के लिए ओ टू बी जी विल बी नेगेटिव, किसके लिए, ये एसेंट के लिए, और B to A, एक्चुअली तो A इक्वल्स टू माइनस जी और A इक्वल्स टू प्लस जी डिसेंट के लिए। तो जो जो मैंने यहां लिखा वो यहां पे भी आ जाएगा,
एट पॉइंट बी वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग वाई डायरेक्शन इज जीरो बिकॉज वेलोसिटी एट बी इन वेक्टर फॉर्म इज सिंपली यू कॉस थीटा आई कैन. क्यों? क्योंकि यू कॉस थीटा विच इज अलोंग एक्स डायरेक्शन उसको कोई चेंज कर रहा है कि नहीं, कोई चेंज कर सकता क्या वेलोसिटी को? सिर्फ एक्सेलरेशन. और अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना है बेटा? जीरो है. अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है. तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी रहेंगी विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट. यहां लिख देता हूं मैं एज ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो यू एक्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट at any point on the trajectory of projectile motion. उसकी जो trajectory है वही रहेगी. मतलब final velocity at y sorry along y should be zero. तो मैं वाई डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करूंगा, है ना, कि वहां से जितना टाइम निकलेगा उसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा. देखो बेटा इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको, मैं यहाँ पे सभी वेक्टर्स भी कवर कर रहा हूँ, जानबूझ के कवर कर रहा हूँ, बाद में गड़बड़ नहीं होगा. चलिए ठीक है. सो लेट दैट टाइम बी टी. सो अपने को इनिशियल वेलोसिटी मालूम, फाइनल वेलोसिटी मालूम और डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम, टाइम निकालना है. सो फर्स्ट इक्वेशन यूज करूं, है ना, वेलोसिटी एट बी फाइनल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एट वाई प्लस ए वाई इंटू टी. ए वाई जाते समय माइनस है तो इसको लिख देता हूं, ये जीरो बन गया. ठीक है, ये जीरो इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी. इसको यहां पे लेके आया तो टी बना यू साइन थीटा बाई जी. टी इक्वल्स टू टी बाई टू है तो टी इक्वल्स टू टू टी. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बनेगा? टू यू साइन थीटा बाई जी. दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट. ऑल ऑफ यू लुक एट दैट. कोई गड़बड़ इसमें? किसी को कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आप मैक्सिमम हाइट भी निकाल लोगे अभी. सही बात है ना? कोई बड़ी बात है इसमें? देख लो जो 2D में मैं आपको पढ़ा वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है. ऐसा कुछ भी है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है जो आपके दिमाग से ऊपर गया? वेरी गुड विशाल सानप, सुजाता, धनेश्री, क्लियर है बेटा? बोर्ड भी और डाउट भी नहीं है आपको? कॉन्सेप्ट भी और बोर्ड भी क्लियर है क्या सुजाता और धनेश्री? वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस. यस वैष्णवी, दिस वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग टू डायमेंशनल वेलोसिटी, देयरफॉर इट विल बी हैविंग एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट्स एज वेल एज वाई डायरेक्शन कंपोनेंट्स. Angle is theta. So u of x will be u cos theta, u of y will be u sin theta. Adjacent side of angle is cos theta ratio or opposite side ratio is sin theta. So usko maine vector form mein bata diya, hai na? Ye time t equal to zero hai. B ki khasiyat kya hai ki y wala component b ka zero hai. Kyunki iski jo bhi velocity x mein hai. Kyunki x ki velocity change kyun nahi ho rahi? Kyunki acceleration along x is zero. y की वेलोसिटी चेंज हो रही है फिर नेगेटिव बन रही है फिर बाद में. ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड. तो पॉइंट बी का y कंपोनेंट जीरो है तो अपन ने क्या करा? ओ से बी जाने वाला टाइम निकाला. क्योंकि ओ से बी जितना लगता है ओ से ए को उसके ट्वाइस लगता है. जितना ओ से ए को लगता है ओ से बी को उसका हाफ लगता है. सेम रेशियो है.
ठीक है, वो टाइम निकाला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें किसी को कोई गड़बड़ है क्या? ठीक है, तो अपने पास 15 मिनट बचे हुए, अपन 11:15 तक क्लास है, सभी को मालूम है आप लोगों को, है ना। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज मैक्सिमम हाइट। फिर से वही वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बी की ना वाई की कंपोनेंट जीरो है, वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग वाई डायरेक्शन इज जीरो। ठीक है, अब फिर से वाई वाला यूज करूंगा क्योंकि एच मैक्स निकालना है तो अलोंग वाई डायरेक्शन है ना। ठीक है, अब एच क्या निकाल, एच क्या ये बता रहा है, एच क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज एच। कहा से कहा, फ्रॉम ओ टू बी, ओ टू बी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मालूम है, विच इक्वेशन आई विल बी यूजिंग, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, वी बी अलोंग वाई ह्याचा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एट ए, एट ए नहीं ओ, यहाँ पे भी ओ लिखना था मैंने, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इसका स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस ऑफ वाई। ठीक है, उसमें ये वाला फाइनल वेलोसिटी जीरो है, ये बना जीरो इक्वल्स टू यू साइन थीटा एच स्क्वायर माइनस टू जी एच। सही बच्चों, कोई गड़बड़ है इसमें? तो यहां से एच क्या आ जाएगा आप लोगों को मालूम है, एक्सक्यूज मी, यस अनघा बोलो बेटा क्या डाउट है आपका? क्या हुआ, स्क्रीन ब्लर है क्या? जस्ट वेट फॉर टू मोर मिनट्स। आपने ज्वाइन किया कि रिजॉइन किया? ठीक है, आपके लिए क्या करता हूँ मैं, एक बार कैमरा ऑफ करके ऑन करता हूँ। बाकी लोग का ना कैसे बेटा, बाकी लोग का ना क्लियर है ना? ठीक है, तो फालतू में बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब हो जाएगा। It should be clear now. Yes. Wait for 2 seconds. Yes, Vaishnavi, bolo beta, kya doubt hai aapka? The screen is blur. Screen again blur. Just give me couple of minutes. Yes, sir. ठीक है, एक दो मिनट रुको. स्क्रीन अच्छा हो जाएगा, म्यूट हो जाओ बेटा। ओके, यस स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू, विल गिव इट 2 मिनट्स, इफ इट इज स्टिल ब्लर मैं फिर से रिकनेक्ट हो जाऊंगा टोटली। एच निकालना है तो यहाँ पे 2GH ले लिया और बचे हुआ कहाँ पे लिया, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो H क्या मिला, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ये है मैक्सिमम हाइट अटेंड डेड by the projectile।
थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज ये निकालनी है. क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है. अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है बेटा, ये अलोंग एक्स डायरेक्शन है. कौन से डायरेक्शन में है? अलोंग एक्स डायरेक्शन. तो बी पे वाई कंपोनेंट जीरो था, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मगर इसका एक फायदा अपने को टाइम के थ्रू आएगा. जो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उतने टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना. सो एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू यू एक्स टाइम्स टी. तो आर बना यू एक्स कितना है? u cos theta. t क्या है? 2 u sin theta upon g. तो r लिख दिया. देखिए ये u square हो गया, u और u. 2 sin theta cos theta bracket में लगा के नीचे g. अब ये पूरा मिटा दे रहा हूं. अब जो ब्रैकेट में लगाया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? 2 sin theta cos theta. सही है? ठीक है, यहां पे वही यूज किया. तो r विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. कौन से डायरेक्शन में है? अलोंग एक्स डायरेक्शन में. मनिंदर जस्ट वेट फॉर टुडे आई कैसे भी मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा सर से बात करके. सर ने बताया था कि कल डालेंगे करके, मगर उन्होंने शायद से नहीं डाला है ना. तो सर से बात करके मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा. ठीक है. नाउ माय सिंपल क्वेश्चन. तो अपने को आ गए सब कुछ. तीन टर्म्स पूछे थे, तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तीन टर्म्स निकालिए. कौन से वो तीन टर्म्स? मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछू, इसमें वेरिएशन से बच्चों, विल बी सीइंग अबाउट देम इन द टुमारोज क्लास. ठीक है. क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट ए. मतलब VA कितना है वेक्टर फॉर्म में, ये पूछ रहा है. चलो आंसर करो. अब आप लोगों ने आंसर करना है. ठीक है बच्चों, फास्ट, अपने पास 5 मिनट्स है. आंसर करो आराम से.
यस, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? What is the answer that we are getting? वेक्टर फॉर्म में निकालोगे कि वेक्टर फॉर्म से क्या फायदा है मालूम क्या बच्चों? कि वेक्टर फॉर्म निकाल लिया आपने तो वो आपको मैग्नीट्यूड भी दे देता है, एंगल भी दे देता है। तो जो भी पूछा उन्होंने वेक्टर वाला निकाल लिया तो वहां से निकालोगे आप। देखिए अब यहाँ पे दो प्रकार है ना, सो वेलोसिटी एट ए विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स द अदर अलोंग वाई। सो वी ए को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, सो वी ए अलोंग एक्स आई कैप प्लस वी ए अलोंग वाई जे कैप। एज ए अलोंग एक्स इज जीरो, हर एक का एक्स कंपोनेंट, पॉइंट ओ का भी एक्स कंपोनेंट, और कोई भी पॉइंट का एक्स कंपोनेंट सेम है। क्या है वो? यू कॉस थीटा। क्या है वो? यू कॉस थीटा। ठीक है, तो वी एक्स आ गया अपने को। अब ए वाई वाला, नाउ अलोंग वाई We know that जितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतने वेलोसिटी से, आपको मैंने कितने प्रॉब्लम कराए, अगर मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका तो 40 मीटर पर सेकेंड से वापस आएगा। अब इसका जो ऊपर का डायरेक्शन है अलॉन्ग वाई यू वाई, ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी कंपोनेंट अलॉन्ग वाई at point O and A which are same horizontal level will have same magnitude opposite direction, will have same magnitude and opposite direction। याद है सभी को, डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहती है। जाते समय ऊपर के डायरेक्शन में, तो आते समय यहाँ पे देखिए नीचे के डायरेक्शन में रहेगा, ये रहेगा वी ए, ये रहेगा वी ए ऑफ एक्स और ये रहेगा वी ए ऑफ वाई। ठीक है, तो डायरेक्टली वी ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा लिख दो। तो यहाँ पे वी ए क्या बनेगा वेक्टर फॉर्म में? यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे क्या। पूरी वेलोसिटी ऑपोजिट बन रही क्या? नहीं, फक्त वाई कंपोनेंट ऑपोजिट होते, पूर्ण वेलोसिटी ने ऑपोजिट झाला का? नहीं, फक्त नहीं फक्त वाई कंपोनेंट सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बेटा सभी को? कोई गड़बड़ इसमें? अरे बच्चे एकदम पार्टिसिपेंट्स कम हो गए, क्या हो गया? वीडियो ब्लर है क्या? नेक्स्ट मैथ्स का क्लास है आपका। अगर सर अगर सर आले नहीं अजुन, मैथ्स का क्लास हो गया क्या? सभी क्लास खत्म हो गए बच्चों आपके? नो मोर क्लास? Okay students, so I'll end the meeting now. We'll meet in tomorrow's class. Bye. Yes, welcome, welcome. Yes, thank you, appreciated. Problem solve karte jao bache. Welcome beta, welcome all of you. ठीक है, चलेगा? मैं आज के स्क्रीनशॉट अभी भेज देता हूँ आपको। Welcome all.